नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसी रस्में हैं जिनके बारे में शायद ही हम जानते होंगे, लेकिन जीवन में ऐसा समय आता है जब इन्हें करने और समझने का मौका हमें मिलता है। इनमें से एक है दाह संस्कार। दाह संस्कार के समय की गई रस्में भी कुछ इस प्रकार की हैं, जिन्हें हम अपने परिवार के किसी सदस्य के जाने के वक्त ही जान पाते हैं। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को शीघ्र जलाने का नियम है। पार्थिव शरीर को जलाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसके बाद बची हुई राख गंगा या किसी पवित्र नदी में बहाने से मृत व्यक्ति के पाप धुलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने से मृत की आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म में प्रवेश के द्वार खुलते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शास्त्रों में अंतिम संस्कार पर कौन से नियम अपनाने जरूरी बताए गए हैं, और साथ ही बताएंगे शाम के समय अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमेशा पार्थिव शरीर का सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। दरअसल मरणासन व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर और मृत्यु पश्चात दाह संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट हो तो मस्तिष्क को उत्तर दिशा की ओर रखने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र और कम कष्ट से निकलते हैं। वहीं मृत्यु पश्चात दक्षिण की ओर सिर रखने का कारण है कि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी गई है। इसे देवता यमराज की दिशा भी कहते हैं। ऐसे हम पार्थिव शरीर को मृत्यु के देवता को समर्पित करते हैं। किसी व्यक्ति को मृत्यु किस घड़ी आएगी ये कोई नहीं जानता, मगर हमेशा सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इस वजह से अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही जलाने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को परलोक में भारी कष्ट सहना पड़ता है और अगले जन्म में उसे किसी अंग में दोष भी हो सकता है। दाह संस्कार के समय आप देखते हैं कि संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करता है, जिसके अंत में पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा मृत व्यक्ति के शरीर से मोह भंग करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसके पीछे दार्शनिक रहस्य भी छिपा हुआ है। दरअसल इसका एक अर्थ ये भी है कि हमारा जीवन उस छेद रूपी घड़े के समान है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल गिरते हुए कम हो रहा है और जिसके अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा के परमात्मा में लीन होने का समय आ जाता है। दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों के सिर मुंडाने की प्रथा चली आ रही है। इसका कारण ये है कि अब उनके ऊपर मृत व्यक्ति से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। इसके अलावा दाह संस्कार के बाद 13 दिनों तक व्यक्ति का पिंडदान करते हैं। ऐसे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मृत शरीर और परिवार के बीच मोह भंग होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कॉमेंट करके जरूर बताएं।